हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, देखो बच्चों, मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था आव्यूह, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। हमने कल 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक बच्चे ने पूछा है कि सर 3.1 जो है उसका सातवां और नवा क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है 3.1 का, वो क्या है जरा चीज समझने की कोशिश करना। इसमें देखो दो आव्यूह हैं, इस तरीके से दो आव्यूह हैं, ए प्लस बी और यहाँ पे दो है। फिर इसमें दे रखा 7 ab और -3 4। ये एक मैट्रिक्स है और इसके इक्वल टू जो दूसरी मैट्रिक्स है वो दे रखी है 6 2 7 8 -3 4। ये इस तरीके से लिया हुआ है और बोल रहा है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने कल आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स, दो आव्यूह कब समान होते हैं, जब उनकी कोटि समान हो और संगत अव्यव बराबर हो। तो कोटि तो समान है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ कितने हैं 2, तो 3 × 2 इसकी कोटि हो गई। इसी तरीके से पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ कितने हैं 2, तो इसकी कोटि भी हो गई 3 × 2 2। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी का मान निकालने के लिए आपको समीकरण बनानी पड़ेगी। कितने आंसर निकालने, दो आंसर निकालने, इसका मतलब आपको यहाँ पर दो समीकरण बनानी पड़ेगी ए और बी में। ठीक है, तो संगत अवयव बराबर कर दीजिए, ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो गया ए प्लस बी बराबर 6, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो। और दूसरा ए इंटू बी किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, तो ए इंटू बी बराबर 8, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप किसका मान निकालोगे, ए और बी का मान निकालोगे, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं समीकरण एक व दो से। तो यहाँ पर आप मान निकाल लो समीकरण नंबर 1 से, किसका मान निकालो, बी का निकाल लो या फिर ए का निकाल लो। तो बी का मान निकालोगे तो बच्चों कितना आएगा, 6 - a आएगा, और इसमें बी की जगह बी का मान लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या देखो, a = b, 6 - a = 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6a - a² = 8। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों का उधर पक्षांतर करोगे दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा a² - 6a + 8 = 0। ये a में एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, 3-4 तरीके आपके पास में होते हैं। यदि इसके गुणनफल होते हैं तो गुणनफल की दिशा इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके टुकड़े -4a और -2a + 0, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो क्वेश्चन में क्या बचेगा, a - 4 बचेगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -2, तो a - 4 बचेगा बराबर में 0। तो फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या कॉमन आ रहा है, a - 4 कॉमन आ रहा है, और फिर बचेगा a - 2 = 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करोगे, एक बार इसको 0 के बराबर करोगे, तो यहाँ से एक मान कितना आएगा बच्चों, 4, और यहाँ से एक मान कितना आएगा, 2। तो इस तरीके से यहाँ पर एक के दो मान आ गए, 4 और 2। अब एक के जब दो मान आपके पास में है तो आपको पता है बी के भी दो मान आपके पास में होंगे, यहाँ से निकाल सकते हो समीकरण नंबर 1 से। जब आप एक की जगह 4 लिखोगे तो बी का मान कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, और जब ए का मान 2 लिखोगे तो बी का मान कितना आएगा, 4 आएगा, मतलब बी के भी दो ही मान होंगे 2 और 4। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते थे और इसका मान आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। आगे अगला जो क्वेश्चन है इसका वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आंसर निकालते रहिए, सवाल निकालते रहिए, सरल प्रश्न आपको हम पढ़ा रहे हैं फिलहाल, तो इसको पढ़ना जरूरी है सबके लिए। इसमें जो नवा क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि दो आव्यूह है ए तथा बी और दोनों बराबर है, ऐसे बोल ए बराबर दे रखा है इसमें a - 2 3 और 2c, यहाँ पर है 12 c, b + 2 और bc, एक आव्यूह तो ये है, और दूसरा आव्यूह है इसमें b, c, 6 और 6b, a और 3b, इस तरीके से रखा है 3b। अब यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे को a, b और c का मान ज्ञात करना है।
ए बी और सी का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब तीन समीकरण कम से कम हमारे पास में होनी चाहिए। ए और बी का मान कब ज्ञात करना है, जब ए तथा बी समान आयु है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यह हुआ आपको तो चूंकि लगाओगे, चूंकि ए तथा बी समान आयु है, क्या है समान आयु है, ए तथा बी क्या है समान आयु है, और जब ए तथा बी समान आयु है तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए संगत संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे भाई, संगत अवयव बराबर होंगे तो संगत अवयव को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो देखो यहां पर सी है और यहां पर कितना है तीन, तो सी बराबर तो सीधा सीधा कितना आ गया तीन आ गया। दूसरा आप यहां पर देखो तो a माइनस दो बराबर क्या है b है। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन बन जाएगी a माइनस दो बराबर b, यहां से इक्वेशन बन गई। यहां इसको बराबर करोगे तो वही c का मान कितना आएगा तीन, जो कि पहले आ चुका है। जब आप इन दोनों को बराबर करोगे तो किसका मान आएगा आपके पास में, b का मान आएगा, क्योंकि c का मान आपके पास में है। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं कि 12 c बराबर क्या होगा 6 b होगा, होगा कि नहीं। अब ये कट रहा है किससे, 6 से, तो 6 कम 6 6 दुनी 12। अब यहां पर c की जगह c का मान लिख दो, c का मान कितना है 3 है, तो ये हो गया 2 * 3 बराबर b। तो बच्चों b का मान यहां पर कितना आ गया 6। तो इस तरीके से आपके पास में दो आंसर तो आ गए हैं। अब किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए, तो a का मान आप यहां से निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास में किसका मान है फिर b का मान। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा a = b + 2, b + 2 होगा ना, और एक बी की जगह बी का मान लिख दीजिए, बी का मान कितना है 6 है, तो 6 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 8 होगा। अब जरूरी नहीं कि आप यही तीनों इक्वेशन बनाओ, आप किसी को भी बराबर करके आंसर निकाल सकते हो। ओके ठीक है भाई, तीन आंसर निकालने थे तो यहाँ पर कितनी समीकरण बनानी पड़ी आपको, तीन समीकरण बनानी पड़ी, और तीनों को सॉल्व करके हमने किसका मान निकाल लिया ए बी और सी का मान हमने निकाल लिया। ओके देखिए आज का मौसम थोड़ा सुहाना है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कम दे रहा होगा, अंधेरा हो रहा है ना आज। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे जो इसमें है वो है दो या दो से अधिक अवयवों के बीच में संक्रियाएं लगाना। संक्रिया का मतलब होता है बच्चों जोड़ करना, बाकी करना, गुणा करना, इस तरीके से भाई दो अवयवों का हम योग कैसे कर सकते हैं, उनका बाकी कैसे कर सकते हैं, उनका घटाव कैसे कर सकते हैं, उनका गुणनफल कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज अब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं योग की बात कर लेता हूं, दो या दो से अधिक अवयवों का योगफल ज्ञात करना। कैसे हम ज्ञात करें तो जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक अवयव है ए और जिसमें एलिमेंट है ए आई जे टाइप और इसकी कोटि है एम क्रॉस एन, एक ये आयु है, और एक दूसरा आयु है बी जिसमें एलिमेंट है बी आई जे टाइप के और जिसकी कोटि है एम क्रॉस एन। बच्चों याद रख लेना, आप दो या दो से अधिक आयुओं का योग तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उनकी कोटि सेम होगी, कोटी सेम होना जरूरी है तभी आप योगफल निकाल सकते हो। आपको यहाँ पर योग ज्ञात करना है तो आपने देखा कोटी समान है, समान है तो फिर योग निकाल सकते हो, ए में बी जोड़ोगे तो क्या आएगा ए प्लस बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और योग कैसे करोगे, एलिमेंट में एलिमेंट जोड़ दीजिए तो ए आई जे में क्या जोड़ोगे बी आई जे, और कोटी चेंज इसकी होगी नहीं तो कोटी क्या रहेगी एम क्रॉस एन रहेगी। तो इस तरीके से आप दो या दो से अधिक अवयवों का योग निकाल सकते हो। बच्चों योग आप कब कर पाओगे, जब दोनों अवयव की कोटियां समान होगी। जैसे मैं कोई उदाहरण देता हूं, ए है जो इस तरीके से है 2 3 4 5, एक अवयव तो ये है, और दूसरा अवयव है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इस तरीके। अब इसकी कोटि कितनी है 2 × 2, दो ही पंक्तियां दो स्तंभ है, और बच्चों इसकी कोटि कितनी है 2 × 2, इसमें दो पंक्तियां और दो ही स्तंभ है। अब इनका जोड़ करना है तो जोड़ करने के लिए बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए, तो ये प्लस बी हो गया इधर, है कि नहीं, बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ जाएगा, दाएं पक्ष में दाया पक्ष जुड़ जाएगा,
अब संगत अवयवों को जोड़ते हैं ध्यान रखना, सेम जगह पर जो है उनको जोड़ते हैं, तो दो प्लस एक कितना हो गया, तीन हो गया। यहाँ पर जाएगा तीन और दो पांच हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, सात हो गया, इधर कितना हो गया, नौ हो गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इनको जोड़ दिया, ठीक है क्या। अगर इनकी कोटियां सेम नहीं होती तो फिर आप यहाँ पर जोड़ नहीं कर पाते। मान लीजिए ये आयु इस तरीके से होता एक और दो, इसकी कोटि कितनी है, पंक्ति है कितनी, एक स्तंभ कितने हैं, दो, तो फिर आप जोड़ कैसे करते। यहाँ पर संगत अवयव का पता ही नहीं चलता कि इसके संगत कौन है। इसके संगत आप मान लीजिए एक को मानते तो फिर चार के संगत कौन है। अब चार के संगत आप मानते यहाँ पर जीरो नहीं मान सकते, किताब को सुनिए इसका मतलब जीरो हो गया। यदि आपने यहाँ पर जीरो लगा दिया, यहाँ पर भी जीरो लगा दिया, तो ये आयु अलग है और ये आयु अलग हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोटि कितने देंगी, दो इंटू दो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऐसे ध्यान रखना है कि दो आयुओं का योग आप तभी कर पाओगे जब इनकी कोटियां क्या होगी बच्चों, सेम होगी। और योग करके भी मैंने आपको बता दिया अभी। अब योग के बारे में जरा आप बातें समझ लीजिए। देखो योग जो है वो कर्म विनिमय नियम की पालना करेगा, यानी कि ए में बी जोड़ दीजिए या बी में ए जोड़ दीजिए, ए की बात है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा सिद्ध कीजिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो आप निकाल के देख लेना कि ए में बी जोड़ोगे और बी में ए जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो याद रख लेना जो आयु है उसमें प्लस संक्रिया कर्म विनिमय नियम की पालना करती है। आयु में प्लस संक्रिया कर्म विनिमय नियम की पालना करती है। और यदि हम साचर्य नियम की बात करें, साचर्य में हम कितने कितने तीन आयु लेंगे, तीन संख्या लेते हैं। यदि संख्याओं की यदि बात करें साचर्य नियम की, या कहीं पर भी हम बात करें तो तीन संख्या हमारे को वहां पर लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर तीन आयु मैंने ले लिया ए बी सी, और इधर भी क्या ले लिया ए बी सी। पहले तो इन दोनों को जोड़ा फिर सी जोड़ दिया, इसमें पहले बी और सी को जोड़ा, बाद में किसको जोड़ दिया, ए को जोड़ दिया। ऐसा करने पर जो आंसर आएगा वो हमेशा ही क्या आएगा, बराबर आएगा। तो बच्चों याद रख लेना कि जो प्लस संक्रिया है आयु में, जो प्लस संक्रिया होती है वो कर्म विनिमय नियम और साचर्य नियम दोनों की पालना करते हैं। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसका जो रहेगा आपके टॉपिक वो है दो आयुओं का पाठी घटाव सब्सट्रैक्शन, जो भी है आप बोल सकते हो, व्यवकलन भी बोलते हैं इसको। तो बाकी हम किस तरीके से करें तो जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए ए एक आयु है जिसमें एलिमेंट है ए आई जे टाइप के, और इसकी कोटि है एम क्रॉस एन। ओके, और बी दूसरा आयु है जिसमें एलिमेंट है बी आई जे टाइप के, इसकी कोटि है एम क्रॉस एन। ए तो अब आपको ए माइनस बी निकालना, ए में से बी को बचाना है, तो इस तरीके से लिखो। ध्यान रख लेना बच्चों, बाकी भी आप तभी कर पाओगे जब कोटियां क्या होंगी, सेम होगी। दोनों आयुओं की कोटि क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम है तो फिर आप घटाओगे, बाएं पक्ष में से बाया पक्ष घटा दिया, दाएं में से दाया घटा दो, तो अवयव में से अवयव भी घटेगा। तो इसके संगत ये है, यहाँ पर संगत अवयव घटते हैं हमेशा या जोड़ते हैं। तो ए आई जे में से किसको घटाओगे, बी आई जे। और ध्यान रखना कोटि तो इसमें चेंज होगी नहीं है, अरे जोड़ और बाकी में कोटि चेंज नहीं होगी। इसकी कोटि क्या थी, एम क्रॉस एन थी, इसकी कोटि क्या है, एम क्रॉस एन है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा एम क्रॉस एन। अब आप उदाहरण से यहाँ पर समझ सकते हो, एक पल्स को जैसे ले लिया एक दो तीन चार, और बी पल्स को यहाँ पर ले लिया बच्चों जीरो तीन दो पाँच, और आपको ए में से बी को घटाना है, ए में से बी। तो पहले ए है तो ए के एलिमेंट लेने हैं, और बाद में कौन है बी, तो बी के एलिमेंट लेने हैं, ए में से बी के घटाने हैं और संगत अवयव घटाने हैं। तो पहले ए, तो ए ए में कौन, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना जीरो, तो एक में से जीरो गया तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा। यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, दो में से तीन गया तो बच्चों माइनस का एक बचेगा। यहाँ पर तीन माइनस दो मतलब एक बचेगा, और यहाँ पर चार माइनस पाँच माइनस एक बचेगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके ए माइनस बी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कोटि भी देख लीजिए, मैंने कहा कोटि चेंज नहीं होती, बाकी इसकी कोटि थी दो इंटू दो, यहाँ पर कोटि कितनी है दो इंटू दो, और इसकी कोटि कितनी है बच्चों दो इंटू दो। अब आगे इसमें बात करें कि जो व्यवकलन है, जो बाकी है, क्या वो साचर्य या कर्म विनिमय नियम की पालना करेगा।
तो भैया याद रख लेना a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो व्यवकलन है वो ना तो कर्म बिंद में नियम की पालना करेगा और ना ही साचर्य नियम की पालना करेगा, ये ध्यान रखना। ओके, सिद्ध करके देखेंगे हम जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कि ये बराबर नहीं है तो नहीं है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, गुणा या गुणनफल कैसे निकालते हैं, दोनों दो आव्यूह को तीन आव्यूह को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। भैया एक आव्यूह है ए जिसमें एलिमेंट है ए आई जे टाइप और इसकी कोटी है एम क्रॉस एन। ठीक है, और एक दूसरा आव्यूह है जिसमें एलिमेंट है बी आई जे टाइप। जो दूसरा आव्यूह है इसमें एलिमेंट बच्चों के